सलामुलेकुम हो गया ना भाई जान। हाँ तो भाई लोगों, क्या हाल हैं आप सबके। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत किया जाता है। अच्छा दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 7 में भी हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुन कर पाकिस्तानियों की कुछ ऐसी मजेदार वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। हाँ गोंदल सिन्हा, उठे ही है वही अमेरिका, उठे थोड़ा जा काम करो ते इन्ने सारे डॉलर कमाओ। ओए बाबा है पाकिस्तानी, इथे एक मजदूर दी दिहाड़ी 1000 भी है, यो सारा दिन धुप्पे सड़दा रहता ते शाम नु उनु 1000 रुपया लभदा है, ते ओ भी जे उनु ठेकेदार कोई पैरा मिल जे ते ओ 1000 भी नहीं लभदा है, ते एक मजदूर दे एवरेज बचे ते 7 हुंदे नहीं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये मजा आएगा ना। अब जरा आप इस बंदे को देखिए जो एक लड़के को काम करते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो लड़का उसके साथ ऐसा प्रैंक कर देता है कि देखना बनता है। और भाई इस बेचारी की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। अब ऐसा मैं क्यों ना कहूँ, उसने पूरे शहर का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। और ये लड़के जो एक कॉम्पिटिशन में ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेशन के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जरा इस लड़के को देखिए जिसके निशाने तो कुछ ज्यादा ही शानदार थे। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। भाई लोगों, अगर कोई बंदा पाकिस्तानी हो और खाली बैठे होने के बावजूद किसी के साथ मजाक न करे, ऐसा होना नामुमकिन है। अब जरा किसी रिक्शे वाले को देख लीजिए जो इन ख्वाजा सराओं के साथ क्या ही मजाक कर रहा है। मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे साथ मेरी मदद करा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी मदद करो प्लीज। जिंदगी ने जिंदगी को खम दी, मुझे जितने भी बंदे मेरे नंबर खम दिए। कोई तरीका है भीख मांगने का? और ज्यादा कोहरे के माहौल में लोग सामने लाइट लगाकर चलते हैं ताकि रास्ता दिख सके, लेकिन जनाब साहब ने लाइट पीछे लगाई हुई है। तो चलिए उनसे इसकी वजह भी पूछते हैं कि आखिर इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी। समझदार है, लाइट पीछे तो की थी यार। मैं यार धुंध में मोटरसाइकिल पीछे आके बैठ गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जरा आप ये वीडियो देखें कि लाहौर में धुंध की वजह से क्या हालत हो रखी है। उस्ताद की है यार, हो क्यों रहे तुम यार, कोई तो चपेड़ा मार गया। ओए होए, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। और दोस्तों ये आंटी जी तो अपने पति से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हैं। भाई इतनी ज्यादा परेशान हैं कि उनका कहना है कि उनका दिल करता है कि वो अपने पति को घर से बाहर निकाल दें। अब आखिर ऐसा क्यों, चलिए इन्हीं से जानते हैं। ये इनके इशू ये है, जब रात को ये सोते हैं इतनी बड़े बड़े धमाके होते हैं, मैं तो यही सुन रही होती हूँ कि जैसे कई बार गाड़ी का टायर फट गया हो, इतनी जोर से आवाजें आ रही होती है, फिर इतनी स्मेल आ रही होती है, नींद हराम से ये बर्दाश्त करी। 10 साल हो गए तंग आ चुकी हूँ, यकीन करे अब इतनी इस तरह तंग आ चुकी हूँ कि इसको तो बंदा घर से निकाल। और ये जनाब इस नदी के किनारे गरीबों का बुर्ज खलीफा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर में वो बुर्ज खलीफा उन्हीं पर आकर गिर जाता है। और यहाँ पर इन चौधरी साहब का मूड हो जाता है दूध सप्लाई करने का। तो देखिए फिर ये कैसे मजे से बाइक के पीछे बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है। ये चाचा जी मजे से बाइक के पीछे बैठकर कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे होते हैं, और शादी में तो ये चाचा जी को यूनिक टाइप के ठुमके लगा रहे हैं। और वैसे यार बात अगर शादी से जुड़ी हो रही है तो जरा आप ये वीडियो देखिए जहां ये बंदा ऐसा सीन करता है कि दूल्हे समेत सब लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। सबर करो, और ये जनाब इस फंक्शन में गायक से ये कहने आते हैं कि आप इस गाने के बाद
वो वाला गाना गाइएगा, लेकिन वापसी में ये माइक भी साथ लेकर जा रहे होते हैं। गुड बाय, गया। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। अब हम आपको पाकिस्तानी लोगों का हैवी जुगाड़ भी दिखाते हैं। भाई इस नदी के दूसरी तरफ जाने का रास्ता थोड़ा दूर है, तो लोगों को काफी घूमकर सामने वाली दुकान पर जाना पड़ता था, इसलिए उन्होंने नदी के ऊपर रस्सी बांधकर उस पर एक बाल्टी लटका दी है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। और इस जगह पर धुंध इतनी ज्यादा होती है कि न तो बॉलर दिखाई देता है और न ही फील्डर। भाई ये तो एक बात है, लेकिन यहाँ की कमेंट्री भी बहुत हैवी टाइप की हो रही है, जरा खुद ही सुनिए। और दोस्तों इस जगह पर आप गरीबों के गोविंदा का डांस भी देखिए। भाई डांस के नाम पर जो हरकतें ये कर रहा था वो तो एक हद तक समझ में आती हैं, लेकिन आखिर में ये सीधा ढोल वाले से ही टकरा जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और यहाँ पर इन पाकिस्तानी लोगों का कहना है, गैस नहीं आती तो क्या हुआ भाई, जुगाड़ जिंदाबाद, हम बिजली से काम चला लेंगे। मजा आया। और अब जरा आप लोग पाकिस्तान की ये कमांडो एलीट फोर्स भी देखिए, जिन्होंने अपनी शीट के पीछे लिखा हुआ है नो फियर। भाई इन्हें सच में किसी चीज का डर नहीं है। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और इन लोगों ने 50,000 से 55,000 रुपए बचाकर एक जगह रखे थे कि बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन बुरे वक्त में ये पैसे इनके काम नहीं आए, पर चूहे के बुरे वक्त में जरूर काम आ गए। दोस्तों आपने लिमोजिन कार तो देखी होगी जो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन अब हम आपको पाकिस्तानियों की लिमोजिन दिखाते हैं। पेश है आप सबके सामने मेहरानो जी। तो भाई एक कार ये थी और दूसरी वाली ये, अब इन दोनों में कितना फर्क है ये फर्क आपको बाइकों पर जाता हुआ बंदा बताएगा, तो चलिए जरा सुनते हैं। दिल है वजी कार कोलो लग दिया ना, ओए होए होए होए, मैं अदा की उड़ जाने आ सादे, उड़ जाने आ, क्या हुआ सिंगल लोग। और भाई हम सभी लोग दुआ तो मांगते हैं, लेकिन आप इनकी दुआ देखिए, जो कुछ ज्यादा ही यूनिक चीज मांग रहे हैं। इनके मुताबिक ये बहुत ज्यादा गुनहगार हैं और इस पाक सरजमीन पर रहने के लायक नहीं है। या अल्लाह, मैं तेरा बड़ा गुनहगार बंदा हूँ और मैं इस मुकद्दस और पाक मुल्क के लायक भी नहीं हूँ, मुझे अमेरिका का वजीर आजम बना दे। और दोस्तों अब जरा आप लोग इस रिक्शे वाले को भी देखिए, जो खड़े हुए लोगों के साथ क्या मजेदार प्रैंक करता है। और अब जरा आप पाकिस्तानियों की ये देसी जुगाड़ भी देखिए। भाई ये वाली टेक्नोलॉजी देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों आपने हिप हॉप सॉन्ग तो सुने ही होंगे, लेकिन पाकिस्तानी सिर्फ हिप हॉप गाने ही नहीं गाते बल्कि हिप हॉप डांस भी करते हैं। जरा ये वीडियो देखिए जिसमें ये भाई साहब हिप से हिप हॉप डांस कर रहे हैं। और इस बंदे को घोड़े पर बैठाने के लिए ये भाई साहब कुछ ज्यादा ही जोर लगा देते हैं। नतीजा ये होता है कि वह घोड़े पर बैठने के बजाय दूसरी साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों
ये वाला काम जो आप देख रहे हैं, विदेशों में इसके लिए लोग 60 से 70 डॉलर ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इतने महान होते हैं कि अगर सामने वाला बस इतना कह दे कि भाई थोड़ी मदद चाहिए, तो ये मदद करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हम आपको पाकिस्तानियों के अलग अलग दर्द भी दिखाते हैं। ये भाई साहब लांडा बाजार में शॉपिंग करने आए हैं। इंटरव्यू के दौरान जरा आप इनकी बात सुने कि इन्हें यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। ये लंडा भी इतना महंगा हुआ है, ये लंडे वालों को चाहिए ऐसी जगह पे लंडा लगाए जहाँ पे लोग ना देखें। जब भी आते कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है, कोई ना कोई कैमरा निकाल खड़ा हो जाता है, कैमरा बंद कर। और इस ऐसी को ठीक करने के लिए ये भाई साहब प्लास को दीवार के साथ कुछ इस तरह लगाते हैं, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि जुगाड़ काम कर जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब जरा ये वीडियो भी देखिए, ये जनाब पेट से मार खा गए, वरना जादूगर तो बहुत बड़े थे। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। जरा आप इस लड़के को देखिए जो बल्ब के नीचे खाना गर्म कर रहा है। इतनी सी हीट से खाना कहाँ गर्म होना है, लेकिन भाई सबको ये महसूस जरूर होगा कि हाँ यार थोड़ा सा तो गर्म लग रहा है। और इस लड़के ने अपने भाई से विदेश से मोबाइल मंगवाया था, अब एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ये अपने भाई को छोड़कर सीधा बैग को गले लगा रहा है, क्योंकि असली चीज तो बैग में है। और इस जगह पर ये मिस्त्री साहब इस लड़के को सिखा रहे होते हैं कि आखिर काम कैसे किया जाता है, लेकिन ये लड़का काम करने के बजाय पूरा ही काम निपटा देता है। जरा आप खुद ही देखिए। रुको जरा, सबर करो। वैसे इस जगह पर तो काम हो जाता है, लेकिन अब इस बंदे की हरकतें देखिए, जिस तरह से काम ये कर रहा है, अगर ये सारी जिंदगी भी लगा दे तो इसका काम पूरा नहीं होने वाला। और इन जनाब की कटिंग की तो क्या ही बात करें, आगे से अक्षय कुमार और पीछे से राहत फतेह अली खान। प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो वर गया। पाकिस्तानी जब घूमने फिरने के लिए किसी टूर पर जाते हैं तो मजे लेने का ये अंदाज भी जरूरी है, वरना मजा कहाँ से आएगा। मैंगो जूस, आपी लच्छा खाएगा, लच्छा खाएगा ते नहीं पछताएगा। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरी तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। भाई लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।